पता नहीं संभावना ने क्या क्या मंगवाया है। मुझे तो लगता है अमेजोन को ना अपना एक आदमी हमारे घर के बाहर खड़ा करना पड़ेगा कि यहीं से आवाज दे दो, भैया जरा सॉस ले आना, भैया जरा घी ले आना, भैया जरा डीओ ले आना। तो मैं जिसकी चुगली कर रहा था वो आ चुकी है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग इतना लेट उठे हैं ना, इतना लेट उठे हैं कि क्या बताऊं। कुछ बुकिंग की हुई थी प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की घर पे, और वो लोग फोन कर करके हमें थक गए, हमने उनका फोन ही नहीं उठाया। अभी दोबारा उनको कॉल बैक करके मैंने दोबारा रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया, वो लोग आ रहे हैं। संभावना अभी अंदर नहा रही है, वो बाहर आती है तो आप लोग की बात कराता हूं उससे। और आप लोगों को बता दूं कि कल हमारे घर पे कम से कम एक टेम्पो भर के अमेजोन से सामान आया है। पता नहीं संभावना ने क्या क्या मंगवाया है, डब्बे पे डब्बे, डब्बे पे डब्बे, बड़ा डब्बा, छोटा डब्बा, मीडियम डब्बा, तो सारे संभाल के भी रखे हुए हैं। और अभी उसको व्लॉग में अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं उसकी खबर लेता हूं कि उसने क्या क्या मंगाया। मुझे तो लगता है अमेजोन को ना अपना एक आदमी हमारे घर के बाहर खड़ा करना पड़ेगा कि यहीं से आवाज दे दो, भैया जरा सॉस ले आना, भैया जरा घी ले आना, भैया जरा डीओ ले आना। मेरे को लगता है अमेजोन से बात करनी पड़ेगी कि पर्सनल असिस्टेंट हमें दे दो, घर के बाहर खड़ा रह जाओ। तो मैं जिसकी चुगली कर रहा था वो आ चुकी है। अरे वाह बेबी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सो यू मैं, बहुत लेट उठी हूँ, ओके। मैंने बता दिया सबको। हाँ। कलर कॉम्बिनेशन देख लो, तुम्हारा लग रहा है इंद्रधनुष चलता हुआ आ गया। पूजा कर लेती हूँ फटाफट। पूजा कर लो। और मैंने सबको बता दिया जो तुमने एक टेम्पो भर के सामान मंगाया ना अमेजोन से। अरे वो वही सब आया होगा जो बड़ा बड़ा लग रहा है ना तुम्हें, उसके लिए आया है, फ्लावर पॉट्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं, पूजा कर लो फटाफट। मौसम अच्छा हो गया। क्या बोला तुमने? मौसम अच्छा हो गया। मुझे लगा तुम कह रही हो पौधे का बच्चा हो गया। मैंने को पौधा लाया था, उसका बच्चा हो गया क्या? मैं कॉफी लाई हूँ, मैं वो नई वाली कॉफी बनाती हूँ। हैं, मुझे भी दोगी? अच्छा लो, एक दे देती हूँ। ओ, ये दरवाजा बंद कर रखा था तभी चेरी नहीं दिख रही, वरना वो तो यहीं सोती है ना बाहर। हाँ, वो अभी अंदर है। आजा बिट्टू, आओ बेटा, आओ कॉफी बनाए क्या? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। मेरे लिए? तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, ये देखो। ओ, क्रोजोन। तुम्हें अच्छा लगता है ना? बटर क्रोजोन है। हाँ, और कॉफी के सारे पैकेट लाए। ये कौन सी कॉफी है? कॉफीजा कैप्सूल्स है भी। हाँ, तो मैंने कहा मैं पहले ये ट्राई कर लेती हूँ, अच्छा लगा तो उन लोगों को फोन करके बोल दूंगी कि मेरे लिए निकाल के रखना। तो जब तक नेस्प्रेसो नहीं है तब तक ये वाली कॉफी पियेंगे। एक ये वाली कॉफी भी ट्राई करने के लिए लाई हूँ, सदरन एस्टेट। और ठीक है, चुंगम डॉक्टर ने बोला ना चबाओ इसको, उससे कान ठीक हो जाएगा। तो कॉफी कौन सा ट्राई करोगे, क्लासिको ट्राई करोगे या इंटेंसो? इंटेंसो से तो लग रहा है बहुत इंटेंस होगी, कलेजा जला देगी। क्लासिको ही बनाओ। आओ, तुमने मेरे को बोला है आओ, और तुम्हारे पीछे कौन आया है? चुन्या। ये तुरई किस लिए निकाली हुई है, है? तुरई किस लिए निकाली है? तुरई खाओगे ना तुम? तुरई अगर आज बन गई तो तोड़ दूंगा सबको। तुरई तो बेबी अच्छी थी खानी। नहीं नहीं, तुरई कुत्तों को खिला दो। इतने दिन से यूज नहीं हुआ ना, चिपक गया पूरा। अरे तो कैंडल्स हैं। अच्छा, कैप्सूल है। कह तो रहे हैं वैसे ये नेस्प्रेसो कंपैटिबल है। कंपैटिबल है, लगा के देखते हैं। अरे अंदर क्यों नहीं जा रहा? ओए, बन गई बन गई बन गई बन गई। अच्छी लग रही है, है? तो सही निकल रही है। हाँ, और वो पुराने जो कैप्सूल से उससे ज्यादा फास्ट निकल रही है, मुझे लग रहा है। हो गया, बोल लिया। एक मिनट भैया, कोको पीछे चलो। अच्छा इंतजाम किया हुआ भैया, बहुत जरूरी है। आपके लिए भी जरूरी, हमारे लिए भी जरूरी। कोको चलो चलो चलो। अरे वाह, तो बहुत अच्छी कॉफी बेबी। हाँ, अच्छी कॉफी है। और ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। क्या हो गया? आ, चेरी को मिला, बेबी पतला हो रहा है भागी भागी करके। बिल्कुल पतला हो गया, सिर्फ बालों का गुच्छा रह गया। वो तुम्हारा मुंह चाटना चाह रही है। चाटना है, मुंह चाटना है। नहीं नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छी लग रही है, फर्स्ट टाइम पतला देख रही हूँ। अब सिर्फ बालों की दुकान रह गई है बस। वो दुखियारा बनके क्यों घूम रहा है इधर से उधर? वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होता है, नाराज हो जाता है क्या? आप लोग बहुत बार पूछते हो ना कि अरे कोको को क्या है, कोको नहीं दिख रहा है। अच्छा, कुछ बोल रहे
क्या बोल रहे हैं? कह रहे हो गया कुछ, सैनिटाइज कर। हाँ सैनिटाइज कर दो भाई, बहुत मास्क पहन लो। मैं मास्क पहन लूँ? क्या कह रहे हैं भैया? मैं मास्क पहन लेती हूँ, घर पे काम चल रहा है ना। लो जी, तो मैंने भी मास्क पहन लिया क्योंकि अब घर को सैनिटाइज कर रहे हैं। जो प्लम्बर काम करने आया था वो खुद घर को पूरा सैनिटाइज कर रहा है, तो मैंने मास्क पहन लिया। दो मैं दूर बैठी हूँ काफी, बट फिर भी मेरे को ज्यादा डर लगता है। पता है ये सब होने के बाद ना साइकोलॉजिकल ज्यादा लगने लग जाता है कि यार आपको कुछ हो रहा है, आपको कुछ हो रहा है, ऐसा हो जाता है। इसलिए बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। लो मीन बाय मेरी चाय भी आ गई है, और चाय का टाइम हो रहा था ना, ये लो। तो मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन मास्क उतारना पड़ेगा और अविनाश आके पिएगा। आज मैं आपको सामान दिखाऊंगी, हमारे जो जो आया है ना सामान, अभी दिखाती हूँ आपको। और आप इस कुत्ते को देख सकते हो कैसे लेटा हुआ है। चंगा बाबू क्या हो गया, अच्छा क्यों बैठता है? इधर मम्मा के पास आओ। पता मुझे ये सोफा वगैरह भी सब क्लीन कराने हैं। ये जो है ना, ये देख रहे हो, ये इन लोगों के थुकम थाकी है। ये इतना चाटती है ना, ये यही इसी ने किया हुआ है ज्यादा, इसी की कारस्तानी है जो सोफा इतना गंदा है। अब साफ कराने के लिए बुलाना है सोफा वाले को, लेकिन फिर वही है कि लोगों को घर में बुलाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना, वंस फॉर ऑल ही सोफा जिस दिन क्लीन कराएंगे ना, उस दिन फिर इस रूम में आएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि ये सोफा अगर क्लीन हुआ तो पूरा दिन इस पे बैठ नहीं सकते अगले दिन तक, क्योंकि गीला रहता है। तो सोच रही हूँ कि जल्दी करा लूँ मैं। और अगर आपको पता लगता है कि कोई सोफा के कवर है अमेजोन वगैरह पे या कुछ है, उसके लिंक मुझे भेजो जरा, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा सोफा के कवर ऐसे बिछाने के लिए, ताकि गंदा ना करे। बेबी चाय आ गई है। अरे बेबी चाय आ गई है। हो गया उनका काम? हो गया, बस थोड़ा सा बचा, लेकिन बड़ा अच्छी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ सुंदर है। ये अच्छा लगा मुझे देख के, पूरा बॉडी सैनिटाइज करी है उन्होंने। गुड गुड, हो गया भैया? हाँ सर। तो एक बार जरा देख ले। नहीं इधर आ, चल इधर। इसको बताओ ना कि कुछ लोग घर में हमारी मदद करने भी आते हैं, उनको ना काटे। क्या पार्ट्स निकले हैं? ये खराब है, फेंक देते हैं। कि तुम्हें चाहिए? मैं क्या करूंगी इसका? पहला दुग्गो खेलने के लिए। क्या खेलने के लिए? पहला दुग्गो नहीं खेलते थे? सैनिटाइज कर लिया ना सब कुछ? ओके भैया थैंक यू। नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ ऐसा। अरे तेरे घर में नलका लगाने आए थे। चाय पी लो भैया, वो एकदम एज पे गिर जाएगी वो। हाँ ये गिर सकती है, इसे पकड़ना। वहाँ से तू गिर नहीं जाती? वहाँ पे क्यों लेटी हुई है इतना कोने में, जबकि पूरी जगह यहाँ पे है, तू वहाँ कोने में क्यों लेटी है? ताकि तेरे को चोट लगे और फिर मम्मा पूरा दिन तेरे पास रहे, है ना? ये ना बेबी ऐसा कुछ षड्यंत्र रचती है, मैंने देखा है। इसको खिड़की खोल के बाहर जाने दो ना, थोड़ा विटामिन डी भी नहीं मिल रहा ना इसको, धूप नहीं आ रही। देखो कैसे लेटी हुई है, ये देखो लग रहा है छिपकली पड़ी उल्टी। अभी गिरती। तो जी ये है मेरी बेबी का अमेज़न का टेम्पो भर के ऑर्डर, ठीक है? हट जाओ सामने से, आओ इधर आओ। मेरा ऑर्डर नहीं है, घर का सामान ही है ये। अभी खुलेगा तो पता चलेगा क्या है। देख लो, खोलो। ये सब कोको की वजह से हुआ है। अरे नाचनी, अरे मिल गया था ना इसलिए ले लिया। ये भी अमेज़न से मंगाया? नहीं नहीं, तो मैं दुकान से लाई थी खरीद के। चलो खोलो। बेबी कुछ भी ज्यादा नहीं है, ध्यान से ये देख लो। इतने सारे शैम्पू? ये शैम्पू नहीं है, ये ऑयल रिप्लेसमेंट है। और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं अरे आप इतना सस्ता वाला यूज करते हो, आपको लगता है मैं पैंटीन क्यों यूज करती हूँ? रीजन ये है, मैं ना सालों से पैंटीन ही यूज कर रही हूँ। तो मोमेंट मैं कोई और चेंज करती हूँ ना बालों में शैम्पू या कंडीशनर, तो मेरे ना इधर बॉयल्स आ जाते हैं पूरे बालों में। बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज कर चुकी हूँ, महंगे से महंगा यूज कर चुकी हूँ, लेकिन वो सूट नहीं करता मुझे। तो जो आपके बालों को सूट करता है ना वही यूज करना चाहिए। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि जो कंपनी का मैं सालों से यूज कर रही हूँ ना, मैं वही यूज करती। तो ये जी ये रहे पहली चीज। ये तो बेबी कैसे खुलेगा? अरे ये कहां बीच में से काट दिया। हाँ ये आ गया ना। हाउ आई विश ये व्हाइट कलर का होता, लेकिन उसमें तो यही कलर दिखाया था ना। हाँ दिखाया था, लेकिन मुझे व्हाइट मिल भी तो नहीं रहा था। ये लगा दे, खूबसूरत लग रहा है बेबी। अच्छा लगा तुम्हें? देखा देखा, तुम मेरा मजाक बना रहे थे। अरे मैं हर चीज में तुम्हारा मजाक ही बनाता हूँ। पहले ये तुम करो, अब मेरे से नहीं होगा। ये पहले इसका ये गमछा उतारो। गमछा बताओ, जितना खर्चा प्लांट पे हुआ उतना ही उसको रखने के लिए। हो मिट्टी निकल रही है इसमें से। कोई बात नहीं हटा दो, ये ऊपर रहेगा ना। हाँ ऊपर रहेगा मतलब, अरे ये नीचे रहेगा। ये नीचे रहेगा ऐसे? बेबी ऐसे करो ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, मेरे को लगा तुम ये प्लांट के ऊपर रखने वाले हो। ये जगह? हाँ अब खा मिट्टी, बताती हूँ इसको मैं। धक्के मार रहा है पीछे से बेबी मुझे। अरे यहाँ तक इसका मुंह आराम से पहुँच जाएगा यार। नहीं पहुँचेगा। इधर चेक करो, देख पकड़ो जा। पहुँचा बेटा अपना मुंह, पहुँचा। चेक कराओ इससे बेटा, देख देख मिट्टी है बेटा, खाने के लिए होती है। देख मुंह पहुँचा,
पहुंचेगा तेरा मुंह, जिसको ऐसे करना पड़ेगा ऐसे। हाँ। देखो ये देखो, देखो कमीना खा रहा है ये देखो। अब पहुंच बेटा, मुंह पहुंचा देख, नहीं पहुंचेगा। हाँ कर बेटा, जा 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 जा, मैं तेरे कुछ खुला छोड़ दूं, खा साले मिट्टी। नहीं अगर इसने पैर रख के चढ़ने की कोशिश भी की ना, नहीं नहीं तो गमला और आगे खिसका देंगे ना, पैर रखने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। नहीं 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 होगा, नहीं होगा, इतना नहीं है ये। ये देख रहे हो कितना ये हराम खोर है, उसके बाद भी कोशिश कर रहा है खाने की। हां हां देख बेटा, हां मिट्टी खा बेटा, हां मिट्टी खाने के लिए है ये, देख खा खा खा, देख इसके नीचे भी कुछ और है, दूसरा वाला है ना, तो ये तो खाली है ना। हां लेकिन चिपका हुआ है ना इससे। अच्छा अच्छा तो लग रहा है ये। ये किसके लिए? ये अंदर वाले रूम के लिए। चलो ठीक है। हाँ पीछे कर दो। हाँ, इसमें मुंह नहीं जाएगा, ये तो ऑलरेडी गमला भी ऊंचा है। हाँ थोड़ा सा इधर कर दो, उधर भी नहीं जाएगा इसका मुंह। इधर बस, ये कपड़ा ही रहने दो। हाँ कपड़ा रहने दो, वो साफ करते हैं बाकी। खाना खा ले फिर। हाँ तो खाना खा लेते हैं हम लोग फटाफट, और क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रिशियन भी आ जाएगा। कुछ वो बाथरूम की लाइट वाइट खराब है, वो ठीक करानी है, तो हम लोग फटाक से खाना खा रहे हैं। बेबी आज भी सेम चीज बनाई हो क्या? नहीं नहीं, दाल है, आलू गोभी है। तुमने मना कर दिया ना सुबह तुरई नहीं खाना। हाँ तुरई नहीं बनी ना। नहीं तुरई बनती तो बताता मैं। नहीं नहीं तुरई नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मेरे लिए निकाला अपने लिए? ये तो मैंने अपने लिए निकाला है। तो फिर क्यों बुला रही हूँ मुझे? आ जाओ आ जाओ। तुम डालोगे ना? वो मैं डाल के दूँ। चलो आ जाओ। मैं डाल के दूँ मतलब मैं सर्व करके दूँ? डालते तो कुत्ते को भी। हमारे यहाँ कुत्तों को सर्व करा जाता है और इंसानों को डाला जाता है। आओ ना। तो जी खाना हमारा हो गया है, थोड़ी बहुत मिर्ची थी शायद खाने में, तो दोनों को जुकाम सा लगा हुआ है बेबी। और ये अब देखो अंजीर खा रही है। और मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि रात को तुमने खाया है, ये काम कैसे हुए? मेरे बेड साइड पे रखा था, मेरी रात को नींद खुली, मैंने कहा ये क्या है, पड़ पड़ आवाज आई पन्नी की, तो मैंने निकाला एक अंजीर खा गया। मैं इतना घटिया था वापस रख दिया, दूसरा खाया नहीं। नहीं खाया, एक ही खाया था। मैंने तुम्हें बोला था ना ये मीठा होने से पहले रुक जाता है, वही हुआ तुम्हारे साथ? वही हुआ है ना, सेम है, मीठा होने से पहले रुक जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा कि आपने मीठा खाया है, तो गिल्ट में नहीं रहते आप। अब मैं खाऊंगी। तो अब मेरा तो दोस्तों ये चलो अपनी राइटिंग के लिए। मैं अभी एक्चुअली मुझे काम करने हैं, क्योंकि मेरा शाम को लाइव भी है इंस्टा पे, तो मेरे को इंस्टा के लिए तैयार होना है। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। लाइक करो, ऐसा थोड़ी होता है, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइबर एक तो धीरे बढ़ रहे हैं, मेहनत डबल है। हाँ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग हमारे चैनल को ग्रो करने में इतनी हेल्प कर सकते हो कि जब भी आप किसी वीडियो को लाइक करते हो और इस वीडियो पे ज्यादा लाइक्स होते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिथम उस वीडियो को ज्यादा प्रमोट करता है, जिसके कारण जो चैनल है वो ग्रो करता है। तो प्लीज जाते जाते लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच। आई एम अपसेट विद पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग टू देम। क्यों? अरे यार मेहनत इतनी है, उसका कुछ नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है फिर, मैं भी अंजीर खा रही हूँ, आप भी अंजीर खाओ।